रुक करते इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। आजमगढ़ चुनाव में गुड्डू जमाली की हार के बाद जिस तरह बसपा सुप्रीमो मायावती ट्वीट पर ट्वीट करके गुड्डू जमाली का तारीफ कर रही हैं, इसी बीच बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी आजमगढ़ चुनाव को लेकर किया ट्वीट। और आकाश आनंद ने कहा कि अब जनता समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को कोई पार्टी अगर हरा सकती है तो वो सिर्फ बसपा है। आपके जानकारी के लिए बताएं तो आकाश आनंद इस समय तेलंगाना के दौरे पर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा दी और बीजेपी के तमाम मिशनरी और दुरुपयोग के बावजूद बसपा ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं रामपुर को लेकर आकाश आनंद ने कहा कि रामपुर में बसपा ने प्रत्याशी भी नहीं दिया, इसके बावजूद सपा भारी अंतर से हार गई। यदि आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी नहीं उतारती तो बसपा 1,00,000 वोटों से भाजपा को हराती। अब जनता समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को कोई पार्टी अगर चुनौती दे सकती है तो वो सिर्फ बसपा है। आपको बता दें कि आकाश आनंद ने सपा और भाजपा को लेकर बड़ा ट्वीट किया है। वहीं आजमगढ़ चुनाव को लेकर गुड्डू जमाली पर